मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या से देश भर में आक्रोश है। अब बिहार में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जेल में बैठा एक दो टके का बदमाश कभी मूसेवाला को मार रहा है तो कभी करणी सेना प्रमुख की हत्या कर दे रहा है और अब बाबा सिद्दीकी को मरवा दिया। उन्होंने कहा कि कानून उन्हें अनुमति दे तो महज 24 घंटे में इस बदमाश के पूरे नेटवर्क को तबाह कर सकते हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में सांसद पप्पू यादव ने देश की पुलिस व्यवस्था पर तंज कसते हुए विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, ये देश है या एक अपराधी जेल में बैठकर चुनौती देकर लोगों को मार रहा है और सब मूक दर्शक बने बैठे हैं। उन्होंने कहा कि वो कानून के आगे विवश हैं, अन्यथा इस बदमाश के पूरे आपराधिक नेटवर्क को महज 24 घंटे में ही ध्वस्त कर सकते हैं। पप्पू यादव ने ये भी कहा कि ये गजब स्थिति है कि एक बदमाश जेल में बैठकर ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दे रहा है और देश भर की पुलिस केवल लकीर पीट रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल चौथे आरोपी की पहचान नकोदर के शकर गांव में रहने वाले मोहम्मद जिशान अख्तर के रूप में की है। 2 साल पहले जालंधर पुलिस ने हत्या के एक मामले में इस बदमाश को अरेस्ट कर जेल भेजा था। मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोप में अब तक 3 लोगों को अरेस्ट किया है। इनमें 2 शूटर कैथल हरियाणा के रहने वाले गुरमेल सिंह और 1 यूपी के बहराइच का रहने वाला कबाड़ी धर्मराज है, जबकि 3रा शूटर शिव कुमार अभी फरार है। पुलिस के मुताबिक जिशान 7 जून को जेल से छूटने के बाद शूटर गुरमेल से मिलने के लिए हरियाणा के कैथल आया था। यहीं पर उसे लॉरेंस बिश्नोई का संदेश मिला और इसके बाद दोनों बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम देने के लिए मुंबई रवाना हो गए थे। मुंबई पहुंचने के बाद वारदात में अन्य लोग भी शामिल हुए। बाबा सिद्दीकी की विधिवत रेकी हुई। उनके हर एक रूटीन को जानने के बाद इन बदमाशों ने लॉरेंस बिश्नोई को अपडेट किया और फिर लॉरेंस की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद शनिवार की रात 3 बदमाशों ने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी।